फरीदकोट च बदमाशां दे हौसले इस कदर बुलंद हन कि ओह शरेआम वारदात नूं अंजाम दे के मौके तों फरार हो जांदे हन। ताजा मामला उस वेले सामने आया है जदों कुछ हथियारबंद बदमाशां वल्लों दुकान ते काम करन वाले दो नौजवानां ते दुकान अंदर वड़ के ही पूरी तरह हमला कर दिता। हमले विच दोवें नौजवान पूरी तरह जख्मी हो गए जदके आरोपी वारदात नूं अंजाम दे के मौके तों फरार हो गए। जानकारी मुताबिक हमलावर दुकान ते काम करन वाले तरसेम सिंह दे मुहल्ले दे ही हन जिन्हां नाल कल रात ही तरसेम दी तकरार हुई सी। रात की गल हुई सी आरा कलोनी के मुंडे हो ते अपने बलीर वास्ते मेरा यार दोस्त सी कहिंदा एक मिनट चल के आना मैं चल दे जी ते इन्हां दी आपस च बैंसबाजी हो गई ओह मुंडे ने चपेड़ा मारती ते मैं छुड़ाता बस इन्नी गल पिछे मेरे आ कुछ मार के गए मेरे सत्त अठ जने सी ये हो जी सारे बाबू तरसेम ते पाली दो लड़के जिहड़े बाजार दे विच बूटां दी दुकान ते लगे आ अज कोई पांच छे लड़के आए तो इन्हों मार पिटाई करके गए हैं तो असं उन्होंने देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं भी वो कौन है इंजन साढ़े जाने तो पहले ही वो लै गए थे तो एक मुंडा जो बैठा सो डर रहा असं भेजता नाल पुलिस पार्टी दाखिल कराने के लिए दोनों धिर का कल रात भी आपस में किसी गल में लैके तू तू मैं हुई है वो की मैटर की है पिछला इन्हों पहला कल रात की लड़ाई हुई है ज की गलबात हुई है तू पहला वो असं देख रहे हैं जो बनती कार्रवाई होगी डेफिनेटली अं करा नहीं हाले तक इस गल की प्रूफ का नहीं किया जा सकता भी किन्ने मुंडे सके क्योंकि बाजार विचाले है हो सकता किन्ने हुण गिनती सामने दो तीन बारे पता लग्या। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ते जांच तो बाद कार्रवाई का भरोसा दिता जा रहा है। अगर तुसी भी जुड़ना चाहते हो खबर हरफल इंडिया दे नाल ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਸੋ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9988645447 ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ feedback@khabarharfalindia.com।